Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Hyundai Elantra GLS. Hyundai Nishat ne is Elantra ko 2021 mein Pakistan mein launch kiya tha. Aur I remember us time iski price thi about 4 million ke kareeb. Khair aaj ye gaadi takriban 7 million ke kareeb aapko padti hai. Aur you know that's inflation for you. By the way, you have your smart recognition too. जैसे मैं इसके करीब आया, इसने मिरर्स अनफोल्ड कर दिए. इसकी जो कैटेगरी है वो आपकी सिविक वाली और ग्रांडे वाली है. ग्रांडे हमारी ये खड़ी है आज. पीछे से भी इसकी बड़ी अच्छी लुक है. जैसे मैं कह रहा हूँ GLS है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 2 लीटर आता है और इसका इंजन इज़ एग्जैक्टली द सेम एज योर टूसॉन, स्पोर्टाज, सोनाटा. और जो GL में है, GL में आपके पास है 1.6 लीटर जो Hyundai ने अभी इंट्रोड्यूस किया था, लाइक जब बहुत महंगाई होनी शुरू हो गई थी, जब टोयोटा ने अपनी ये 1.6 का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया, तो तब इन्होंने 1.6 लॉन्च किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी रिव्यूइंग दिस Hyundai Elantra. हेंस इट्स अ सी कैटेगरी सेडान. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट और हम रिव्यू करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको एक Hyundai की एक एसेंस आएगी. बाय दैट आई मीन इज आप सबसे पहले इसकी हुड्स पे लाइन चेक करें. यू हैव गॉट 2 लाइंस जो आपकी सोनाटा में भी हैं और ये बड़ी A5 इंस्पायर्ड लाइन्स हैं. इसका जो हुड है वो तकरीबन कम्प्लीटली फ्लैट है. आपके पास एक ये स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है, लाइक वाइज एक ये स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है. ये भी एक सॉफ्ट ही है और यहाँ से ज़रा कर्व हो रही है. मूविंग डाउन हेयर Hyundai का एम्बलम आ जाता है. ये गॉट 6 लैट्स जो कि पाउडर कोटेड है और यहाँ सारी आपकी क्रोम स्ट्रिप आ जाती है. लोअर बम्पर इन मैट प्लास्टिक केस डैमेज हो जाए तो आपका पेंट खराब ना हो. और ये भी आपके पेंटेड सेक्शन है. आपका सारा एयर इनटेक है. ये गॉट योर नंबर प्लेट प्रिंट हेयर. अच्छा, इस गाड़ी में एक बड़ी अनकन्वेंशनल चीज़ ये है, इस गाड़ी के जो हेड लैम्प्स हैं, दिस इज ऑल योर DRL, ठीक है, दैट्स योर साइड रिफ्लेक्टर. इस गाड़ी में आपके पास क्वाड्रूपल हेडलाइट्स हैं, विच मीन्स दीज आर लो बीम्स, दीज आर हाई बीम्स और दे लुक वेरी नाइस. बट द डिसअपॉइंटिंग थिंग इज दैट कि आपकी जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो नीचे लगे हैं जो कि हैलोजन ही है. साइड एयर इनटेक आपको ये आ जाता है, विच इज़ एक्चुअली फंक्शनल. मूविंग एट द साइड ऑफ दिस कार, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सी सेगमेंट सेडान है, तो यू नो एक काफ़ी मुनासिब साइज़ है. तकरीबन आपका ग्रांडे वाला साइज़ ये, और बता नई सिविक से छोटी है और पुरानी सिविक से भी थोड़ी सी छोटी थी. अब आपने देखा मैं थोड़ा गाड़ी से दूर हुआ तो इसने अपने मिरर्स ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट कर लिया. मूविंग एट द एलॉयज ऑफ दिस कार, यू गॉट 5-spoke alloy wheels. और ये जो है एलॉय अब जो नई वाली GLS है उसमें रिप्लेस हो गया, उसमें ये अब ड्यूल टोन में आ गया, जिसमें ये गॉट योर ब्लैक टचेस, पियानो टच और सिल्वर टचेस. ये फुल एक सिल्वर था जिस पर लोगों की बड़ी कंप्लेन हुई, तो उन्होंने अपडेट कर दिया. एयर इसका साइज 215/55 R18. इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी हैं, पिरेली का टायर डला हुआ है. यहाँ अगर हम साइड पर देखें तो आप देखें कि ये पूरी एक आपकी लाइन यहाँ से होके वो पिछली लाइन में इंटीग्रेट हो रही है. लाइक वाइज आर्चेस पे लाइन है, नीचे से आपकी एक स्ट्रॉन्ग लाइन जा रही है जो ऑल द वे पीछे बम्पर में इंटीग्रेट हो रही है. उसके अलावा कम्प्लीटली फ्लैट साइड्स हैं. और ये जो कलर है, दिस इज़ जो हमारे पाकिस्तान में आता है सॉलिड वाइट, ठीक है, ये आपका वो नहीं है, दिस इज़ नॉट योर पर्ल वाइट वगैरह, वो पाकिस्तान में आता ही नहीं है. ऊपर आपकी वाइट रूफ है, ये इसके ओनर ने इसको रैप कराया हुआ है. सनरूफ आ जाती है, Elantra के सारे वेरियंट्स में सनरूफ है. ये गॉट योर एंटीना हेयर जो कि अगेन वाइट होता है, उन्होंने इसे ब्लैक कराया हुआ है. क्रोम स्ट्रिप पूरी यहाँ आ जाती है, आपका टर्न इंडिकेटर आ जाता है, दिस इज़ एक्चुअली LED. इस गाड़ी में क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं, इसे भी उन्होंने ब्लैक कराया हुआ है. इन ऑर्डर टू अनलॉक दिस, बाय द वे सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं. तो इस गाड़ी की जो चाबी है, ये गॉट लॉक, अनलॉक और होल्ड है. सो दिस इज़ द की ऑफ दिस कार. और इसमें भी स्मार्ट एंट्री है तो कोई मसला नहीं है. दरवाजे की बात करें तो ये आपका की होल आ जाता है और इसको भी अनलॉक करने के लिए ये सिविक की तरह हाथ डाल के नहीं होगी, इसमें बटन ही दबाना पड़ेगा टू एक्चुअली अनलॉक द कार. तो इसमें भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं. मोर ओवर इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं उनमें लाइट इल्यूमिनेशंस भी हैं, ये देखिएगा. अब ये ओपन दिस अप तो आपकी लाइट्स नज़र आएंगी इसमें ना, तो दिस इज़ अ गुड फीचर. ये आपकी सारी मैट प्लास्टिक लगा हुआ है. मूविंग एट द बैक ऑफ दिस कार, जैसे मैंने आपको बताया रियर हॉर्न पे भी लाइन्स आ जाती हैं. मूविंग एट द बैक ऑफ दिस कार, एक बड़ी ही यू नो प्लेन लुक है, अननेसेसरी लाइन्स नहीं है. दो लाइन्स यहाँ आ जाती हैं, सॉर्ट ऑफ आपको एक यू नो स्पॉइलर लुक देंगी, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. थोड़ा सा यहाँ से जो आपका बूट है वो थोड़ा लिफ्टेड अप है, अगर आप यहाँ से दिखा सकें. सिविक का बिल्कुल कूप लाइक आता है, ग्रांडे का कन्वेंशनल है, इसका थोड़ा सा यहाँ से लिफ्ट अप है. लाइक वाइज यू गॉट योर रियर कैमरा हेयर, दैट्स योर रियर लाइट्स हेयर. ये आपकी सारी जो है ना, दैट्स योर रियर लाइट. इसके अंदर ब्रेक लैम्प इंटीग्रेटेड है, टर्न इंडिकेटर ये है और रिवर्स लाइट आपकी नीचे लगी हुई है विद योर रिफ्लेक्टर टू. GLS की बैजिंग आ जाती है. शुक्र है इसमें Hyundai ने टोयोटा की तरह बैजेस नहीं लगाए, उन्होंने बहुत ही कम रखे हैं. Hyundai Elantra GLS, दैट्स इट. या रिवर्स कैमरा है, Hyundai के एम्बलम आ जाता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. मूविंग डाउन है, ये जितना भी आपका सारा पीस है, दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक और इसमें नंबर प्लेट प्रिंट्स भी है.
ये इन्होंने फेक डिफ्यूज़र की लुक दी है लेकिन है नहीं, तो ये फिन्स लगी हुई हैं, नीचे आपका एग्जॉस्ट आ जाता है और नीचे की इंसुलेशन भी अच्छी हैं। मोर ओवर आपके पास जो इल्यूमिनेशंस हैं दीज आर LEDs और जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आप सारे सोच रहे होंगे यार इन ऑर्डर टू एक्सेस द बूट क्या करें। ये आप देख रहे हैं Hyundai का जो H का ये है ना, ये प्रेस से साफ तो ये खुद ही खुल जाती है। मोर ओवर इस गाड़ी में स्प्रिंग लोडेड नहीं है तो आपको खोलनी तो मैनुअली ही पड़ती है। बूट की बात करें, बूट का साइज़ काफ़ी मुनासिब है, बट आई वुड से कि सिविक का बूट इससे चौड़ा है, उसकी डेप्थ कम है, ग्रांडे का फॉर श्योर उससे बूट बड़ा है। यू हैव गॉट योर एग्जॉस्ट हियर, इस गाड़ी में आपके पास स्पेयर व्हील फुल साइज़ आता है, आपकी किट भी आती है और सरप्राइजिंगली इसकी इंसुलेशन हैं और अंदर जो फिट एंड फिनिश है बड़ी अच्छी है। या आपके कटआउट्स आ जाते हैं टैब्स, जिससे आप अपनी रियर लाइट के बल्ब वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, और लाइक वाइज वहाँ भी एग्जैक्ट सेम ही बना हुआ है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे पुल करें तो आपकी जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी जो है तकरीबन 50,000 चल गया और इसमें ये स्क्वीक स्क्वीक आ रही है जो आनी नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई बट यस। इसकी जो थर्ड माउंट ब्रेक लैंप है ये भी LED है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंजन ऑफ दिस कार। इसका भी लीवर लाइक ऑल द Hyundai यहीं लगा होता है। ओपनिंग अप द हुड, पहली बात है कि काफ़ी ज़्यादा भारी बॉनेट है, ठीक है। एंड इफ यू ओपन दिस अप, कुछ सरप्राइजेज हैं और कुछ सरप्राइजेज नहीं भी हैं। इन दिस कार यू हैव गॉट अ 2 लीटर इंजन व्हिच प्रोड्यूसेस 155 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दीज फिगर्स आर वेरी हेल्दी फॉर दिस इंजन, मतलब आप देखें स्पोर्टाज और उनका साइज कितना बड़ा है, और ये गाड़ी भी छोटी है और इसमें आपके पावर भी 155 हॉर्स पावर है और 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। सो इट्स सैम्पल, गाड़ी की प्रेजेंटेशन अच्छी है, वही एग्जैक्ट सेम इंजन है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, एयरबॉक्स ही आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी Hyundai's हैं उनकी मोटर और सारे शेल देता है, वॉशर फ्लूइड रिजर्व वो आ जाता है, इसकी अंडर फ्लोर ट्रे पूरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल सारे वहाँ लगे हुए हैं। एक सिर्फ मुझे बुरी चीज़ लग रही है कि इसमें कोई इंसुलेशन नहीं हुई यार, ये तो रिप ऑफ, ये तो गलत बात है, ये इंसुलेशन होनी चाहिए थी। इसका जो ये लीवर आ जाता है इसमें भी एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं लगता, सो आराम से बंद भी हो जाता है। तो जाओ, इसमें भी आपके पास ग्रांडे की तरह वो लीवर ही आता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं खुलता, और इसका भी जो फ्यूल टैंक है वो 50 लीटर्स का ही है। हमने एक्सटीरियर से तो सारी गाड़ी कवर कर ली है, नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंटीरियर और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम गाड़ी के दरवाजों की बात करते हैं। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के देर ऑन अ हैवियर साइड, मतलब जैसे आपको Tucson के लगते हैं ना, पहली बात है ये 3-inch डोर्स हैं, मतलब काफ़ी वाइड ओपनिंग है। मोर ओवर इनका वेट काफ़ी मुनासिब है, ये गाड़ी 50,000 चल गई है, मतलब उसमें आई वुड से कि इनका जो एक थर्डनेस है ना, ये जो थर्डनेस की फील है और एक जो हिंज पॉइंट है वो आई वुड से इट्स सुपीरियर देन ग्रांडे, लेकिन सिविक का भी इसे थोड़ा भारी है, लेकिन दरवाज़ों के मामले में आई एम नॉट कंप्लेनिंग। फर्दर मोर इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी चीज़ जो ना सिविक देती है इवन नई में भी नहीं आती, इट हैज़ गॉट इलेक्ट्रिक सीट्स विच आर 10-way पावर एडजस्टेबल, मतलब ऊपर नीचे बैक से फ्रंट से आगे पीछे आपका रिक्लाइन चेंज हो जाता है और 2-way लंबर भी है, प्लस आपके पास अपनी साइड सेल आ जाती है। एंड ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो फ्यूल फिलर और जो बूट रिलीज है वो अभी भी मैनुअल ही है, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा जी, मूविंग ऑन योर डोर कार्ड, अब ज़रा थोड़ा मसला शुरू होता है, क्योंकि ये देखें ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, सिल्वर पेंटेड स्ट्रिप जा रही है विद द डोर हैंडल, ट्विटर्स इसमें शुक्र है Honda की तरह नहीं उन्होंने वो कवर्स लगा दिए, द एक्चुअली डू वर्क। तो ये स्पीकर्स हैं, ये आपका ट्विटर है। इस गाड़ी का ड्यूल टोन इंटीरियर है, ब्लैक विद योर क्रीम इंटीरियर, और ये भी सारा स्क्रैची प्लास्टिक है, जो कि अगेन डिसअपॉइंटमेंट है, आप अब 7 मिलियन की गाड़ी है। ये सॉफ्ट पैडिंग है, लाइक दिस इज़ क्लॉथ, और ये आई वुड से कि दिस इज़ एक्चुअली सॉफ्ट पैडिंग, ये क्लॉथ नहीं है। ये जो सारा टेक्सचर, ये सारा दिस इज़ ऑल प्लास्टिक, ये सारा जो प्लास्टिक है ये ख़राब होने वाला हुआ है, मतलब दिस इज़ नॉट अ ड्यूरेबल प्लास्टिक, और ऊपर से इसका रंग ही ऐसा कि ये ख़राब हो जाएगा। दीज आर योर रिट्रैक्टेबल मिरर की कंट्रोल, अगर आपने ऑटो पे सेट करने हैं या मैनुअल पे करना है, अभी ऑटो पे ही हुए हैं, मतलब यहाँ से रिट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से खुले रहेंगे। ये मिरर पोजिशनिंग चेंज करके आप मिरर की एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, लॉक एंड अनलॉक, विंडो लॉक। इस गाड़ी में एक बहुत ही बकवास फीचर जो मुझे लगा, पहली बात है इस गाड़ी में सारी ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं और ये वन टच नहीं है। इसकी जो ड्राइवर विंडो है, नॉर्मली गाड़ियों में होता है कि वो ऑटो वन टच डाउन भी होती है और अप भी होती है, इस गाड़ी में वन टच डाउन तो है लाइक Wagoneer, लेकिन वन टच अप नहीं है, मतलब वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। वाए, Hyundai कितने पैसे लग जाने थे यार, वाओ। नीचे अगेन द ब्लैक स्टफ ऑल स्क्रैची प्लास्टिक, बॉटल होल्डर आ जाता है, यू गॉट योर कबी हेयर, इस गाड़ी की एक ऑटो विंडो भी आ जाती है, आगे वाला शायद ज़्यादा यूज़ हुआ है ना तो उसका जो डोर वेट है वो थोड़ा सा कम है। इस दरवाजे का बहुत फिट डोर वेट है, लाइक ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब एक प्रॉपर आपको ना Tucson वाली फील आ रही है इसमें।
तो मैं इसे बंद करता हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हिंज है इसका, नाइस। जितने भी ये डोर हैंडल्स हैं ना, इन पे ये रैप हुआ हुआ है और स्मार्ट एंट्री ऑन बोथ द फ्रंट डोर्स है। सो मूविंग बैक हेयर, अगेन हार्ड मटीरियल हेयर, योर सिल्वर क्रोम स्ट्रिप ये आ जाती है, डोर पुल्स ये आ जाते हैं, फ्रंट पे भी ऐसा ही है, हार्ड प्लास्टिक हेयर, सॉफ्ट पैडिंग हेयर, सॉफ्ट पैडिंग हेयर। ये अगेन अब आप ये देखें, ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, ये आपका विंडो स्विच आ जाता है, योर रियर स्पीकर हेयर, स्क्रैची प्लास्टिक हेयर, और ये आपका साइड का भी जिसमें बॉटल होल्डर ये लगा हुआ है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंटीरियर। ये सीट मेरी आइडियल ड्राइविंग पोजीशन में। अच्छा, इस गाड़ी में एक और भी है कि जो नई एलांट्राज है ना विद द न्यू अलॉयज, उन सब में लेदर इंटीरियर है। इस टाइम इस गाड़ी में लेदर इंटीरियर नहीं आता था, इट्स योर फैब्रिक इंटीरियर। मूविंग इनसाइड द कार, सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी टांगें फंस गई। अब ये जो सीट है मेरी आइडियल ड्राइविंग पोजीशन में, तो इससे मेरी नीज तो फंस गई। मेरी फुटवेल्स में काफ़ी ठीक स्पेस है, आई वुडंट कंप्लेन, मतलब आई कैन मूव अबाउट, थोड़ी सी ज़्यादा होती बेहतर थी। मेरी हेड स्पेस काफ़ी अच्छी है, लाइक आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेड स्पेस, और इवन मेरे जैसे अगर तीन बंदे बैठे ना, तो क्योंकि ये गाड़ी की जो कॉर्नर है ना यहाँ, ये मतलब वाइड कार है, तो मेरी यहाँ से हेड नहीं लगेगा। हेड रेस्ट इसके सॉफ्ट हैं, यहाँ आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है, कोट हुक सिर्फ इस सीट के पीछे है, उस सीट के पीछे नहीं है। ये गो योर रियर लाइट्स और LEDs हैं भाई, LED लाइट्स हैं। मोर ओवर इस गाड़ी में अगर बात करें तो ये बेंच सीट नहीं है, थैंकफुली बोलस्टरिंग अच्छी है, और आपके पास सेंट्रल आर्मरेस्ट भी आ जाता है जिसमें एक और 2 कप होल्डर्स। लेकिन अगेन मुझे वही मसला है कि यार इसमें you know, अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो अंदर जाएगा। फर्दर मोर सीट बैग्स जो हैं इन पे प्लास्टिक लगा हुआ है, इट्स नॉट योर लेदर, जो कि अच्छी बात है कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो आपकी सीट बैक पॉकेट्स हैं वो सिर्फ यहाँ ही लगी हुई हैं, इट्स नॉट ऑन द अदर साइड। योर रियर वेंट्स आर हेयर विद योर एडजस्टमेंट हेयर, और ये क्रोम लगा हुआ है और ये क्रोम बेजल भी है, लेकिन यहाँ कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है सभी की तरह। आपका जो रियर पार्शल शेल्फ है वो भी सारा लाइंड है, जो कि बड़ी अच्छी बात है यार। एंड यू हैव गॉट योर टेदरिंग पॉइंट्स हेयर, और जिनके आपके एंकर्स इसके नीचे लगे हैं, 3 सीट बेल्ट्स आ जाती हैं, और अगर मैं दरमियान में मूव करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर करना पड़े तो अगेन मेरे पास हेडरूम है अभी भी। और यह है कि ठीक बैठा हूँ, अंडर थाए तो ज़ाहिर बात है मिडल में नहीं होगी, और अगर मैं कॉर्नर्स में मूव करूँ, आई वुड से मेरी अंडर थाए इज़ नॉट बैड, अंडर थाए ठीक है, मतलब इस गाड़ी से कि जो सेगमेंट है उस लिहाज से सिविक की से थोड़ी बेहतर है, लेकिन सही है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और सबसे मुझे अच्छी बात लग रही है कि सॉफ्ट बहुत है, मतलब इट्स गुड, और प्लस आपका जो हेडलाइनर है इसका भी मटीरियल बड़ा अच्छा है। सो रियर से तो हमने कवर कर लिया, नाउ लेट्स मूव एट द फ्रंट ऑफ दिस कार। मूविंग एट द फ्रंट ऑफ दिस कार, सबसे पहले मैं अपनी सीटिंग पोजिशन की बात कर रहा हूँ। ये मैंने सीट अपनी आइडियल सीटिंग पोजिशन में रखी हुई है, आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम, सीट्स बहुत अच्छी हैं, मुझे इनकी बोल्स्टरिंग बड़ी अच्छी लग रही है, और ऊपर से ये क्लॉथ हैं तो इट्स वेरी नाइस, ब्रीथेबल हैं। लाइकवाइज शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा है, इनिशियल पॉइंट्स भी ठीक हैं, ये जो मेरा आर्म रेस्ट है ये भी सॉफ्ट मटीरियल है। दिस इज़ द एंटायर डैश ऑफ दिस कार, जैसे मैंने बताया इस गाड़ी में आपके पास ट्यूल कलर्ड इंटीरियर है, योर ब्लैक विद योर बेज इंटीरियर। सो दिस इज़ योर अपर डैश जो कि सारा सॉफ्ट मटीरियल है, और दिस इज़ नाइस, ये सारा आपका प्लास्टिक ही है, इन्होंने कार्बन फाइबर लुक दिया कि बिल्कुल ही प्लास्टिक ना लगे, बट आई विश कि ये भी सॉफ्ट मटीरियल ही होता, और ये आपकी सारी इस ट्रिम के ऊपर ये सारा जा रहा है, ये सिल्वर पेंटेड स्ट्रिप जा रही है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो थैंकफुली वो डैम्प्ड है, और इसका साइज़ भी मुनासिब है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। इसका जो लीवर है वो भी टूवर्ड्स द साइड ही खुलता है, जो कि नॉर्मल कोरियन गाड़ियों में इसी तरह होता है। आपके जितने भी एयर वेंट्स हैं उन पर बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर है, यू हैव गॉट दिस पेंटेड सिल्वर टेक्सचर, या ब्लैक टेक्सचर, और फिर पेंटेड सिल्वर है, और इट लुक्स वेरी नाइस। योर क्रोम स्ट्रिप इज गोइंग ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू देयर। दिस इज योर इंफरटेनमेंट, और नई वाली एलांट्रा में इन्होंने ये एंड्रॉयड कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से दिस इज़ बेटर, बस इसकी स्क्रीन बड़ी होगी, इसकी स्क्रीन ये वाली है। नीचे हॉटकीज आ जाती हैं सारी, दैट्स योर वॉल्यूम एडजस्टर, एंड इफ यू प्रेस दिस तो बंद हो जाता है, और इसकी भी काफ़ी अच्छी मतलब डैम्पनिंग काफ़ी अच्छी है। रेडियो मीडिया, योर फेवरेट बटन, सीक ट्रैक, ठीक है जी, होम फोन सेटअप, ट्यून और एंट्री के लिए ये है, दैट्स योर माइक्रोफोन्स, आपका हैजर्ड वार्निंग स्विच आ जाता है। इस गाड़ी में आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो अब नई होंडा सिविक में आया है, जिस टाइम आई थी उस टाइम दिस वॉज फर्स्ट इन इट्स क्लास। दैट्स हाउ यू एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ आइदर योर पैसेंजर या ड्राइवर। फ्रंट रियर डिफॉगर्स यहाँ से चेंज हो सकते हैं, रिसर्कुलेटिंग फ्रेश एयर, दैट्स हाउ यू चेंज योर फैन स्पीड, सिंक यहाँ से होगा, एयर डायरेक्शन यहाँ से है, AC ऑफ एंड ऑटो। मूविंग डाउन हेयर, इस गाड़ी में एक और भी चीज़ विच वॉज फर्स्ट इन इट्स क्लास, इट्स द वायरलेस चार्जर हेयर, जो कि अच्छी बात है, मतलब जो अभी तक बाकी में नहीं आई। योर 120 वॉट्स पावर आउटलेट USB ऑक्स की है, और दिस इंडिकेटर इज़ कि अगर आपका वायरलेस चार्जिंग फोन लगा हुआ है तो चार्ज हो रहा है या नहीं, और एक छोटी सी कभी आ जाती है।
यहाँ पाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्प्टी बटन नजर आते हैं, जो कि मेरी शिकायत है यार, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इस गाड़ी में यू हैव गॉट द एग्जैक्ट 6-speed गियरबॉक्स जो आपकी बाकी में भी है, और एग्जैक्ट मतलब ट्रांसमिशन और इंजन इज एग्जैक्टली द सेम। और ऊपर से दिस इज पियानो ब्लैक विद योर क्रोम लाइनिंग हेयर, और यहाँ भी आपके पास ये क्रोम बटन आ जाता है, ठीक है, ब्लैक स्टिच ये पूरी जा रही है। दिस इज योर गियर इंडिकेशन, और इसकी जो लाइट है वो सारी ब्लू है एक्सेप्ट द रिवर्स इज इन रेड। दैट्स PR&D। एस में यहाँ से जा सकते हैं, प्लस माइनस शिफ्ट लॉक रिलीज ये लगा हुआ है, और ड्राइव मोड बटन भी है, इस पर हम अभी डिस्कवर करते हैं। आप यहाँ से जैसे थोड़े नीचे आते हैं ना, तो आपको एहसास होता है ये कुछ ज़्यादा ही चीप आउट हो गया। मतलब ये प्लास्टिक्स की क्वालिटी देखें, दो कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक देखें कितनी अजीब मटीरियल में, मतलब थोड़ी सी फ्लश हो सकती थी। बटन इज ऑल्सो स्क्वेयर्ड अप, क्रोम है लेकिन वेरी अजीब सा, आई डोंट नो, लाइक डजंट लुक नाइस। दैट्स योर सेंट्रल आर्मरेस्ट जो कि सॉफ्ट टच है, और अगर हम इसके अंदर मूव करें, USB टाइप ए चार्जिंग सॉकेट है, अंदर काफ़ी मुनासिब जगह यार। इस साइड पे आपका फ्यूज बॉक्स आ जाता है, दैट्स योर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, इंस्ट्रूमेंट की ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने वाला आ जाता है। यू हैव गॉट अ 3-spoke स्टीयरिंग व्हील हेयर, और अगेन फर्स्ट इन द क्लास आपके पास इस गाड़ी में इतना अच्छा लेदर आया था, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आपके पास या तो ग्रांडे वाला लेदर आता था या फिर सिविक जैसा आता था, तो ये लेदर इस गाड़ी में आना वॉज अ बिग प्लस। और आई रिमेंबर जब मैं पहली बार गया था तो सबसे पहले मैंने जब टच किया था मैंने कहा यार दिस इज गुड। योर क्रोम हेयर, योर पियानो ब्लैक स्ट्रिप गोइंग हेयर, योर हॉर्न हेयर, दीज आर योर मल्टी मीडिया कंट्रोल्स, जिसमें आपका ये वॉइस असिस्टेंस है, मोड है मतलब ब्लूटूथ करना है, FM सुनना है, जो मर्जी सुनना है, वॉल्यूम का ये है प्रेसेट टू म्यूट इट, यहाँ से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कॉल। दिस ये जो हैं यहाँ से आगे, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर MID। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, तो क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यू टर्न इट ऑन, सेट इंक्रीज डिक्रीज रिज्यूम टू प्राइस स्पीड कैंसिल यहाँ से हो सकता है, यहाँ से अपनी टाइल चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में भी आपके पास दो एयरबैग्स ही हैं। इस गाड़ी के गेज क्लस्टर की बात की जाए तो इट्स नाइस, इट्स ऑनेस्टली नाइस। यू हैव गॉट स्पीडोमीटर हेयर एंड योर फ्यूल गेज देयर, योर RPM मीटर देयर एंड योर टेम्परेचर गेज देयर। दरमियान में आपके पास MID है, जिसमें फिलहाल रेंज दिखा रहा है, डिजिटल स्पीड दिखा रहा है, गाड़ी 50,000 चल गया, यानी आउटसाइड टेम्परेचर। इफ़ आई मूव इन दिस, ड्राइवर इन्फो आ जाती है, एक्यूमुलेटेड इन्फो आ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है जिसमें आपकी एवरेज है 9.6 आ रही है, लाइव एवरेज इसमें दिखा रहा होता है, ड्राइव मोड आ जाते हैं। मूविंग एट द यूजर सेटिंग्स, इसमें भी आपके पास लाइक द अदर हुंडाइज आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर में आपके पास ऑटो अनलॉक है, स्मार्ट ट्रंक आ जाता है। अच्छा थोड़ा सा ना लागी ज़रूर है, उससे ड्राइवर डोर अनलॉक होता है, और या ऑन पी पे हो मतलब गाड़ी को जब हम बंद करें या किस तरह गाड़ी ना अनलॉक हो। लाइक वाइज लाइट्स में आ जाता है, 1-touch इंडिकेटर्स कितने चाहिए, 3-5, हेडलाइट डिले आप कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं साउंड्स में, यू नो वेलकम साउंड एंड स्टफ। कन्वीनियंस में वेलकम मिरर्स, ये जैसे हम गाड़ी के करीब आते थे खुल जाते थे। वायरलेस चार्जिंग, वाइपर एंड लाइट्स डिस्प्ले, जैसे लाइट्स ऑन करें तो वो इंडिकेशन जो आती है। गियर पोजिशनिंग हमें चाहिए, बिल्कुल जी। सर्विस इंटरवल है, अदर्स में आपके पास फ्यूल इकोनॉमी रीसेट कर सकते हैं, फ्यूल यूनिट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर यूनिट अपना चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एंड रीसेट कर सकते हैं। डोर्स में बेसिकली कुछ ऑटो लॉक भी है कि गाड़ी किस स्पीड पे जाके खुद ही लॉक हो जाए, आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं स्पीड पे, या जब जैसे आप गाड़ी को डी में डालेंगे। ऑटो अनलॉक मतलब गाड़ी को जब आप ऑफ करेंगे, या आप जब ड्राइवर का डोर अनलॉक करेंगे, या फिर गाड़ी को जब पी में डालेंगे तो ये होगा। दूसरी बात है, अगर हम इसके ड्राइव मोड चेंज करें तो इस गाड़ी में आपके पास चार ड्राइविंग मोड है, एक नॉर्मल है, एक इको है, एक स्पोर्ट है और एक स्मार्ट है। मूविंग एट योर इंफोटेनमेंट हेयर, आपके पास वो स्टैंडर्ड वाला ही है जो इंफोटेनमेंट आता है, जो आपकी टूसॉन में है, सोनाटा में है। एग्जैक्ट वही थीम है कि आपके FM होगा, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कोई होगी तो वो यहाँ आएगी, मेन्यू एप्स सेटअप वगैरह यहाँ है। मोर ओवर क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले यहाँ अलहदा लगा हुआ है, वो नीचे ही है, इसका अलहदा ही है लाइक द सोनाटा, इट्स नॉट लाइक अ स्पोर्ट आज के इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। मेन्यू में आपके पास अच्छा इसका टच स्लो हुआ हुआ है, ठीक है, इट्स टेकिंग सम टाइम। फ़ोन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है विच इज़ वायर्ड, वायरलेस नहीं है। सेटिंग्स में आपके पास कोई नॉर्मल ही चीज़ें, ये देखें मतलब इट्स स्लो हुआ हुआ है। साउंड है, डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, होम स्क्रीन है, डेट एंड टाइम है, एंड स्क्रीन सेवर है, सिस्टम इन्फो है। एडवांस में क्या चीज़ें, एडवांस में आपके पास फ़ोन प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, माई मेन्यू मतलब आपने होम पे क्या दिखाना है। स्टेयरिंग व्हील बटन्स में क्या आना चाहिए जब मोड चेंज करें, और मीडिया चेंज नोटिफिकेशन, इसके अलावा इट्स नथिंग मच। डिस्प्ले इसका काफ़ी
डल है और स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, अब उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन वो एंड्रॉयड है तो इसमें एप्पल कारप्ले नहीं है, तो ये एक रिप ऑफ है। आपकी जितनी भी वार्निंग लाइट्स हैं वो इसके अंदर आ रही होती हैं। यहाँ से तो हमने सारा कवर कर लिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट डैश है तो इट्स नाइस। इस गाड़ी में रियर डिमिंग मिरर जो है वो मैनुअल ही है, रेन सेंसर्स लगे हुए हैं, ये होगा सनरूफ, और इसका जो ब्लाइंड का कवर है वो मुनासिब ही है। दीज आर योर सन वाइजर्स, और ये बिल्कुल ही हार्ड प्लास्टिक है, मतलब ये थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने तो ये हार्ड प्लास्टिक ही रखना है। एंड दीज आर नॉट एक्सटेंडेबल। आपका कार्ड स्लॉट ये आ जाता है, योर वैनिटी मिरर हेयर, योर लाइट हेयर विच इज़ हैलोजन, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देयर। यहाँ आपकी LED लाइट्स आ जाती हैं, डोम लाइट्स आ जाती हैं, जिनकी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप इफ़ यू ओपन द डोर के साथ खुलें या डोर के साथ ना खुलें। योर सन ग्लासेस होल्डर जो कि अंदर से सॉफ्ट टच में है, अगेन अ नाइस टच। दैट्स योर सन रूफ कंट्रोल, यू पुश इट तो ये टिल्ट हो जाती है, इसे अच्छा ये उस तरह नहीं है कि सिविक की तरह अगर आप करें तो ये खुल जाएगी, आपको इसे होल्ड करना ही पड़ेगा। सिविक में तो होता ना अगर आप इसे इस तरह करें और पीछे करें तो वो नीचे होकर खुल जाएगी, लेकिन ये इस तरह नहीं होगी, आपको पहले इसमें अच्छा होल्ड करना पड़ता है अगर आपने टिल्ट से नीचे करनी है ना, तो ये पूरी खुल जाएगी। और इसे मैंने अगर बंद भी करना है तो ये बंद भी आसानी से हो जाएगी। मैं इसकी बात करूँगी, देखिए अगर मैं इस तरह करूँगा ना तो ये मुझे दबा के ही रखना पड़ेगा। प्लस इसकी भी ग्रेडियंट चेंजिंग विंडशील्ड है। दिस इज़ योर स्टार्ट स्टॉप स्विच, और इसकी जो टेंशन टू डिटेल है बड़ी अच्छी है, इट्स क्रोम, और यहाँ भी इसका टेक्सचर्ड है कि व्हेन यू प्रेस यू गेट अ फील एंड यू हैव अ बटन इन दिस। इस गाड़ी की जो साउंड है वो बड़ी अच्छी है, देखें स्टार्ट की, और ये देखिएगा मैं ऑफ करूँगा। मोर ओवर इस गाड़ी का रियर कैमरा इज ऑल्सो डिसेंट एंड यू हैव ऑल्सो गॉट डायनामिक गाइडलाइंस। मोर ओवर यू हैव गॉट अ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, प्लस दीज आर योर टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स। मोर ओवर इस गाड़ी में ऑटो लाइट्स भी हैं, दैट्स योर पार्किंग्स, लो बीम्स, हाई बीम्स यहाँ से एक्टिवेट हो जाती हैं, और इसमें भी आपके पास वन टच है। दीज आर योर फ्रंट वाइपर स्टॉक्स, क्योंकि इस गाड़ी में ऑटो हैं तो आप अपनी सेट कर सकते हैं कि बारिश हो तो आपको क्या स्पीड चाहिए। फर्दरमोर इसे नीचे करें तो आप यू कैन टर्न ऑन द वाइपर्स, यू पुश इट अप तो मिस्ट होंगे, और अगर आप इसे पुल करेंगे तो आपके वॉश जेट्स ऑन हो जाएंगे। मूविंग ऑन द पैसेंजर डोर ऑफ दिस कार, चले यहाँ मैनुअल सीट्स हैं, ऑटो सीट्स नहीं है, लेकिन थैंकफुली दिस इज हाइट एडजस्टेबल, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाती है। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, जो आपकी सोनाटा है ना उसकी इलेक्ट्रिक सीट तो है पैसेंजर वाली, लेकिन उसमें हाइट कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो पैसेंजर सीट भी है ना दैट्स ऑल्सो 6 foot। तो चलें जी, दैट वॉज इट, दिस वॉज माई रिव्यू ऑन दिस Hyundai Elantra GLS। आई होप यू लाइक द रिव्यू। इंटरनेशनली इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है, और जिस टाइम पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी उस टाइम इंटरनेशनली इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी, लेकिन बींग अ पाकिस्तानी इसकी भी पुरानी जनरेशन चल रही है, उस करोला की भी पुरानी जनरेशन ही चल रही है, अभी सिर्फ सिविक है जिसकी नई जनरेशन है। इफ़ यू आस्क मी 7 million में इज दिस कार वर्थ बाय, तो आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि एनी कार इज़ वर्थ बाय। लेकिन अगर आप देखें कि ऑल्टो आपकी 2.7 million पे पड़ रही है, पहली बात यह है कि अगर आपने Hyundai लेनी Hyundai है तो इट्स अ गुड कार। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जापानीज़ नहीं ट्राई करनी है, और अगर आप यू आर फेड अप विद जापानीज़ सो यू गो फॉर दिस, बट द थिंग इज दैट के इट्स अ वेरी टफ कॉल ना, मतलब आप देखें कि मतलब ग्रांडे से 8 lakh रुपये महंगी है, वुड आई प्रेफर दिस ओवर ग्रांडे, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ग्रांडे भी बहुत चलाई है और ग्रांडे मेरे दिल के भी बड़ी करीब है। बट आप इसमें अपने 8 lakh रुपये बचाएंगे गाड़ी देते, ऑल्दो इसकी रजिस्ट्रेशन महंगी है क्योंकि 2 liter है। इट्स अ डिसेंट कार, आपको भी मसला नहीं होगा, यू वुड बी गेटिंग द वर्थ ऑफ योर मनी अगर आप ये लेंगे। चलें जी, दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंजॉय जी।